केमिस्ट्री बुक 2 चैप्टर नंबर 12। हम लोग एल्डिहाइड्स और कीटोन्स को डिस्कस कर रहे हैं। एक दफ़ा मैं फिर से रिवाइज करवा देता हूँ कि एल्डिहाइड्स और कीटोन्स कार्बोनाइल कंपाउंड्स की टाइप्स हैं, जिनमें कार्बोनाइल ग्रुप जो होता है अगर वो कार्बन की जो चेन है उसमें एंड पे लगा हुआ हो तो उसको हम एल्डिहाइड बोलते हैं, और कीटोन ऐसे कार्बोनाइल कंपाउंड को बोलते हैं जिसमें आपके पास कार्बोनाइल ग्रुप एग्जिस्ट करता हो, सी डबल बॉन्ड हो और इसके दोनों तरफ कार्बन अटैच्ड हो। ठीक है, तो इस तरह के कंपाउंड को हम कीटोन बोलते हैं और इस तरह के कंपाउंड को हम एल्डिहाइड बोलते हैं। ये दोनों कार्बोनाइल कंपाउंड्स की टाइप्स हैं। लास्ट लेक्चर के अंदर हम लोगों ने IUPAC नोमेनक्लेचर डिस्कस किया था एल्डिहाइड्स और कीटोन्स का। हम लोगों ने देखा था कि किस तरीके से आप किसी भी एल्डिहाइड या कीटोन को नाम दे सकते हो। हम एक एग्जाम्पल भी कर लेते हैं ताकि आपका थोड़ा सा रिवाइज भी हो जाए। फॉर एग्जाम्पल, ये आपके पास एक एल्डिहाइड है, इसको आपने नाम देना है। तो सबसे पहले तो आप ये देखते हो कि इसमें लॉन्गेस्ट चेन कौन सी है कंटेनिंग COH, इसको हम COH बोलते हैं। ठीक है, तो लॉन्गेस्ट चेन इसमें बड़ी स्ट्रेट फॉरवर्ड है, ये स्ट्रेट वाली चेन है, और फिर आप इसको नाम देते हो। ये चूंकि ब्यूटेन है, ब्यूटेन से ये डिराइव हुआ है, तो आप एंड से ई हटा के AL लगा दोगे, इसमें ब्यूटेनल कर दोगे आप इसको। ठीक है, फिर आप इसमें कार्बन को नंबर करोगे 1, 2, 3, 4, और नंबरिंग आपने उस साइड से स्टार्ट करनी है जहाँ से COH करीब पड़ता है आपको। और फिर आपने जो आपके फंक्शनल ग्रुप्स अटैच हैं, सब्सिट्यूएंट्स जो अटैच हैं, उनको साथ लेबल करना है। अब थ्री लोकेशन पे ब्रोमो अटैच है, सो हम इसको लिखेंगे 3-bromobutanol। ठीक है, ये इस कंपाउंड का नाम है। आज का लेक्चर जो है, आज के लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे फॉर्मल्डिहाइड की प्रिपरेशन, और इससे नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम लोग एसिटल्डिहाइड और कीटोन्स की प्रिपरेशन देखेंगे। सबसे पहले तो मैं आपको एक जनरल ओवरव्यू दे देता हूँ कि एल्डिहाइड्स या कीटोन्स को हम प्रिपेयर करते कैसे हैं। एल्डिहाइड्स, जैसे मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ, एल डी हाइड से नाम निकला, ठीक है, और अल जो है ये अल्कोहल का अल है, अल्कोहल, और डी हाइड मीन्स डिहाइड्रोजिनेशन। सो बेसिकली एक डिहाइड्रोजिनेटेड अल्कोहल को आप एल्डिहाइड बोलते हो। ठीक है, हम देखते हैं कि डिहाइड्रोजिनेशन का क्या मतलब होता है, हाइड्रोजन को रिमूव करना। मसलन आप कोई भी अल्कोहल लो, हम सबसे आसान वाला अल्कोहल लेते हैं, आपके पास मीथेन होता है ना, तो मीथेन से जो अल्कोहल बनता है उसको मिथाइल अल्कोहल या मिथेनॉल बोलते हैं। ये आपके पास मिथेनॉल है। अब आप क्या करो कि इस मिथेनॉल के डिहाइड्रोजिनेशन आपने करनी है। डी मतलब रिमूव करो, हाइड्रोजन को आप रिमूव करो इसके अंदर से। हाइड्रोजन अब इसमें कहाँ कहाँ पे लगा हुआ है, आप ने जो हाइड्रोजन रिमूव करना है ना, वो ऐसा होगा कि एक तो जो ऑक्सीजन के साथ अटैच्ड है हाइड्रोजन, आप उसको रिमूव करो, और दूसरा किसी जो उसके साथ कार्बोनाइल का कार्बन है उसके साथ से एक हाइड्रोजन आप रिमूव करो। जब ये दोनों आप रिमूव कर दोगे तो ये जो आपस में ये दोनों डबल बॉन्ड बना देंगे, यहाँ पे पहले सिंगल बॉन्ड था और साथ में वो जो आपने H2 रिमूव किया है वो यूं करके आ जाएगा। अब आप देखो ये जो चीज बनी है ये आपके पास मिथेनॉल से मिथेनल बन गया। ठीक है, यानी एल्डिहाइड आपने प्रोड्यूस कर लिया। अब अगर आप गौर करो, जो अभी मैंने एल्डिहाइड कंसिडर किया था ये कौन सा था, ये एक प्राइमरी, सॉरी, जो मैंने अल्कोहल लिया था ये एक प्राइमरी अल्कोहल था। आप कोई भी अगर प्राइमरी अल्कोहल लो, फॉर एग्जांपल आप मसलन अभी तो मैंने बहुत सिंपल लिया था, आप कोई बहुत लंबा सा अल्कोहल ले लो, और यहाँ पे सी और यहाँ पे आप OH इसके साथ अटैच कर दो। ठीक है, बाकी सारे हाइड्रोजन लगे हुए हैं इसके साथ, बल्कि मैं लगा देता हूँ ताकि आपको थोड़ा क्लियर हो जाए। एच 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 एच, इस वाले का सिर्फ एक हाइड्रोजन अटैच होगा, इस पे अगेन 3, और इस नीचे वाले कार्बन पे 2 हाइड्रोजन। अब आप देखो मैंने आपको बोला था डिहाइड्रोजनेशन, तो डिहाइड्रोजनेशन कैसे होगी, डिहाइड्रोजनेशन करने के लिए आप एक तो जो कार्बोनाइल ग्रुप है ना, इसमें कार्बोनाइल तो नहीं होता ना अल्कोहल्स के अंदर, आपके पास एक O है और एक C है, तो आप इस H को रिमूव करो और इस H को रिमूव करो, और इन दोनों को रिमूव करने से होगा क्या कि आपके पास C और O का एक एक बॉन्ड खाली बच जाएगा। आप इस बॉन्ड को डबल बॉन्ड कर दो और साथ में आप H2 बना दो। अब अगर मैं आपसे पूछूं ये जो अभी एल्डिहाइड बना है कि नहीं, डेफिनेटली एल्डिहाइड बन गया, ये कौन सा एल्डिहाइड है, ये आपके पास 1, 2, 3, 4, 5, ये आपके पास बन गया है
पेंटेनल बन गए, ठीक है, जिस पे एक फंक्शनल ग्रुप भी अटैच्ड है लोकेशन टू के ऊपर, अगर आप प्रीवियसली रिकॉल करो। लेकिन अब इसमें इंटरेस्टिंग बात ये थी कि आप जब भी किसी प्राइमरी अल्कोहल की डीहाइड्रोजनेशन करते हो तो हमेशा अल्डिहाइड बनता है, हमेशा अल्डिहाइड बनता है, आप कुछ भी कर लो। बट अगर मैं प्राइमरी अल्कोहल ना लूं बल्कि एक सेकेंडरी अल्कोहल ले लूं, ये कार्बन कार्बन और कार्बन, और यहाँ पे अगर मैं OH लगा दूँ, अब आपको पता है ये अभी मैंने सेकेंडरी अल्कोहल बनाया, ये प्राइमरी अल्कोहल नहीं है। प्राइमरी अल्कोहल्स में ऐसा होता है कि जो OH आपका अटैच्ड होता है ना, ये किसी ऐसे कार्बन के साथ होता है जो आगे सिर्फ एक कार्बन के साथ अटैच्ड हो। ये जो भी मैंने ड्रॉ किया है ये आपके पास सेकेंडरी अल्कोहल है। अब अगर इसकी आप डिहाइड्रोजनेशन करोगे तो आपके पास क्या, मैंने कहा था कि एक तो हाइड्रोजन ये O का रिमूव करो और साथ दूसरा O के साथ वाले C का आप एक हाइड्रोजन रिमूव करो। मैंने अभी ड्रॉ नहीं किया था तो वो डेफिनेटली अगर होता तो मैं उसको हटा देता। तो यहाँ पे आपके पास एक डबल बॉन्ड आ जाएगा। और अब आप मुझे ये बताओ, ये जो आप कंपाउंड बना है ये अल्डिहाइड है या कीटोन है? शाबाश, ये कीटोन है, ये अल्डिहाइड नहीं है, क्योंकि इसमें जो कार्बोनाइल ग्रुप अब एग्जिस्ट कर रहा है इसके दोनों तरफ कार्बन अटैच्ड है, इसके साथ दो चेन्स एक्सटेंड हो रही हैं, ठीक है, और दोनों कार्बन की चेन्स हैं। तो अब आप देख सकते हो कि जब भी आप किसी भी प्राइमरी अल्कोहल को डिहाइड्रोजनेशन करोगे उसकी, तो आपके पास एक अल्डिहाइड आ जाएगा, और जब आप किसी सेकेंडरी अल्कोहल की डिहाइड्रोजनेशन करोगे तो आपके पास कीटोन आ जाएगा, ठीक है। लेट्स ट्राई एंड सी के अगर हम एक टर्शरी अल्कोहल की डिहाइड्रोजनेशन करें, यहाँ पे मैं अगर OH लगा दूँ तो इसको बोलते हैं टर्शरी अल्कोहल, ठीक है। टर्शरी में ये होता है कि आपका जो OH ग्रुप अटैच्ड है ना, ये किसी ऐसे कार्बन के साथ होता है जो फर्दर तीन कार्बन के साथ बॉन्डेड हो, यानी ये वाला कार्बन है ना जिसके साथ OH लगा हुआ है, और इस कार्बन के साथ आप देख सकते हो कि आगे तीन कार्बन लगे हुए हैं, 1, 2 एंड 3, तीनों, यानी इसका कोई भी हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं है। अब अगर मैं आप इस कंपाउंड की डिहाइड्रोजनेशन करना चाहूँ तो मैं कर ही नहीं सकता, इस कंपाउंड के साथ एक मसला हो गया हुआ है। मसला अब ये हो गया है कि अगर मैं इसका ये वाला O रिमूव करता हूँ तो H रिमूव करता हूँ तो इस साथ वाले एडजेसेंट कार्बन के ऊपर कोई H है ही नहीं, ठीक है, जिसकी वजह से ना तो अल्डिहाइड बनेगा और ना ही कीटोन बनेगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि आप जब टर्शरी अल्कोहल्स की डिहाइड्रोजनेशन करते हो तो डिहाइड्रोजनेशन होती ही नहीं है, ठीक है। तो ये इसके कुछ बेसिक सा ओवरव्यू था कि आप डिहाइड्रोजनेशन से कैसे अल्डिहाइड्स और कीटोन्स प्रिपेयर कर सकते हो। इस लेक्चर के अंदर हम लोग पर्टिकुलरली जो बात कर रहे हैं वो हम कर रहे हैं फॉर्मल्डिहाइड की, और इसको हम ज़्यादा डिटेल के अंदर देखते हैं कि इसको कैसे प्रिपेयर किया जा सकता है लेबोरेटरी के अंदर और इंडस्ट्री में भी। फॉर्मल्डिहाइड का सबसे पहले तो हम फॉर्मूला देखते हैं। फॉर्मल्डिहाइड एक वैसे तो कॉमन नेम है, इसका जो IUPAC नेम है इसी कंपाउंड का वो है मिथेनल, ठीक है। ये मीथेन से डिराइव हुआ है, मीथेन में आपके पास CH, H, H और H, ये होता है ना मीथेन। तो अब आप क्या करो कि मीथेन के साथ अब दो हाइड्रोजन रिमूव कर लो और यहाँ पे आप डबल बॉन्ड O बना दो, तो इसको हम बोलते हैं मिथेनल, ठीक है, इसको हम ब्लैक ही से करते हैं। ये जो भी मैंने कंपाउंड बनाया है ये आपके पास फॉर्मल्डिहाइड है, इसको आप HCHO या HCOH या COH2, ये कोई भी इनमें से लिखा हुआ है, इन सारी बातों का एक ही मतलब होता है, इसमें कंफ्यूज नहीं हुआ करो, ये सारी बातें एक ही हैं, आप किसी भी लेटर को पहले या बाद में ले जाओ डजंट मैटर। अच्छा, अब हम फॉर्मल्डिहाइड की प्रिपरेशन देखते हैं। सबसे पहला जो मेथड है, जो सबसे बेसिक मेथड है, वो है कि आप इसको अल्कोहल से प्रिपेयर करो। और मैं आपको ऊपर बता चुका हूँ कि अल्कोहल सी से नॉर्मली प्रिपेयर करते हो आप अल्डिहाइड्स और कीटोन्स को, ठीक है। तो अल्कोहल आप कौन सा इस्तेमाल करोगे? डेफिनेटली वो वाला अल्कोहल इस्तेमाल करोगे जिसमें सिर्फ एक कार्बन होता है, ठीक है, क्योंकि आपने एक ही कार्बन वाला अल्डिहाइड बनाना है। तो आप सिंगल कार्बन वाला अल्कोहल जो कि क्या होता है, मेथनॉल होता है, अभी पीछे हम लोगों ने उसकी बात की थी, आप मेथनॉल लो, ये आपके पास मेथनॉल आ गया। और मेथनॉल को आप क्या करो कि इसकी आप ऑक्सीडेशन कर लो, ये सबसे फर्स्ट मेथड में आपको बता रहा हूँ। इसकी आप ऑक्सीडेशन करते हो जब, तो ऑक्सीजन क्या करेगा, ऑक्सीजन की ये कोशिश होगी कि ये अटैक करे इसके हाइड्रोजन्स को, ठीक है, और वहाँ से हाइड्रोजन को रिमूव करने की कोशिश करे, ठीक है। तो ऑक्सीजन कामयाब हो जाएगा इस काम में, ये ऑक्सीजन इन दो हाइड्रोजन्स को रिमूव करेगा और आपके पास
जो डिजायर्ड प्रोडक्ट है वो यूं करके आ जाएगा, जो ऊपर वाला तो रिमूव हो जाएगा ना, आप नीचे हाइड्रोजन और यहाँ पे जो कार्बन के ऑक्सीजन के साथ एक बॉन्ड बच जाएगा, यहाँ वाला और यहाँ वाला जो हाइड्रोजन था वो दोनों रिमूव हो गए हैं, ठीक है। तो अब ये जो ऑक्सीजन और कार्बन का आपस में डबल बॉन्ड बन जाएगा और ये जो प्रोडक्ट है ये आपके पास है फॉर्मल्डिहाइड या मेथनल, ठीक है। साथ आपके पास वाटर बन जाएगा, ये वाटर क्यों बना है, क्योंकि ऑक्सीजन ने अटैक किया था ना हाइड्रोजन को, तो ये आपके पास वाटर प्रोड्यूस हुआ था उसकी वजह से। ये जो भी मैंने प्रोसेस किया है ये एक सिंपली ऑक्सीडेशन प्रोसेस है, और इसमें आपको क्या क्या चीज़ें चाहिए होती हैं, आप इसमें प्लेटिनम को यूज़ करते हो, प्लेटिनम को एज अ कैटलिस्ट आप यूज़ करते हो, ठीक है। और साथ में आप क्या करते हो कि साथ आप टेम्परेचर भी रेज करते हो 300 डिग्री सेल्सियस तक। आपको पता है कि ऑक्सीजन किस फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, ऑक्सीजन डेफिनेटली गैस है, ठीक है। और आपको क्या ये पता है कि ये जो मेथनल है ये क्या चीज़ मेथनोल होता है, या लिक्विड होता है या गैस होता है, ये आपके पास लिक्विड होता है, ये एक लिक्विड है, ठीक है। तो जब आपने एक लिक्विड और एक गैस का आपस में रिएक्शन करवाना होता है तो कैसे करवाते हो आप, या तो लिक्विड को गैस बनाओ या गैस को लिक्विड बनाओ, वो तो बहुत मेहनत वाला काम हो जाएगा ना। तो फिर आप क्या करते हो कि आप लिक्विड को लेते हो, मसलन आपने एक फ्लास्क वगैरह के अंदर ये लिक्विड लिया, इसके अंदर आपने मेथनॉल डाला हुआ है जो कि लिक्विड फॉर्म है। वैसे मेथनॉल जो होता है ये वॉलेटाइल होता है, यानी ये एवेपोरेट हो जाता है अगर आप इसको ज़्यादा देर के लिए रख दो, क्योंकि इसका जो बॉइलिंग पॉइंट है वो रूम टेम्परेचर से काफ़ी करीब है, तो ये मतलब बॉयल हो जाता है अगर रूम टेम्परेचर से थोड़ा सा आप ऊपर इसका टेम्परेचर ले जाओ। तो आप करते ये हो कि आप एक ट्यूब के थ्रू ना, ट्यूब यूं करके आप एक डालते हो इसके अंदर, और इस ट्यूब के थ्रू ना अंदर एयर आप डालते हो, और एयर के अंदर आपको पता है कि क्या चीज़ है, आप ऑक्सीजन गैस है। तो वो गैस क्या करती है, बबल करती हुई इसके अंदर जाती है और मिक्स हो जाती है, ठीक है। तो एयर का बेसिकली आप रिएक्शन करवा रहे हो विद लिक्विड मेथनॉल। जब इन दोनों का रिएक्शन होता है तो यहाँ से ऊपर से आपने इसको बंद किया हुआ होता है कंटेनर को, इस कंटेनर के अंदर ना ये जो ऊपर एटमॉस्फेयर है कंटेनर का, इसके अंदर आपके पास एक गैस का एटमॉस्फेयर सा बन जाता है, उस पूरे को आप पास कराते हो एक ट्यूब के अंदर से, एक ये जो हमने बात की थी ना कि प्लेटिनम एस्बेस्टोस होता है, प्लेटिनम कैटलिस्ट आप यूज़ करते हो, इसके अंदर से आप पास कराते हो उसको, और नीचे आप इसको हीट भी कर रहे होते हो, ये जो टेम्परेचर साथ मेंशनड है ना, ये आप प्लेटिनम को यहाँ पे हीट कर रहे होते हो, ये गैस भी यहाँ से जब गुजरती है तो वो सारी हीट हो जाती है, और उसके अंदर से पास होती हुई फाइनली आपके पास यहाँ पे एक कंटेनर है जिसके अंदर आप इसको कलेक्ट कर लेते हो, ठीक है। यहाँ पे जो आपके पास कलेक्ट होता है ये प्योरली आपके पास फॉर्मल्डिहाइड नहीं बनता, इसमें आपके पास पानी भी शामिल होगा, डेफिनेटली पानी शामिल होगा क्योंकि इस प्रोडक्ट में आपके पास वाटर आ रहा है, ठीक है। और कुछ पानी के अलावा आपके पास क्या होता है कि ये जो मेथनॉल आपने डाला था ना, इसमें से कुछ मेथनॉल जो होता है वो अनरिएक्टेड रह जाता है, वो रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करता। सो ओवरऑल आपके पास तीन प्रोडक्ट्स बच जाते हैं, ये जो इस फ्लास्क के अंदर फाइनल फ्लास्क के अंदर आते हैं ना, इसमें तीन चीज़ें आ जाती हैं, इसके अंदर एक तो पानी होता है, सबसे ज़्यादा आपके पास पानी होता है, दूसरे नंबर पर आपके पास जो चीज़ होती है इसके अंदर मेथनॉल होता है या फॉर्मल्डिहाइड जिसकी हम बात कर रहे हैं या जिसको आप प्रिपेयर कराना चाह रहे हैं, और तीसरे नंबर पे आपके पास बीच में मेथनॉल भी कुछ ना कुछ बाकी रह जाता है जिसने रिएक्शन नहीं किया। ये जो आपके पास पूरा का पूरा सॉल्यूशन बना है ये बहुत काम की चीज़ है, और नॉर्मली जो आप इंडस्ट्री के अंदर यूज़ करते हो आप इसी को यूज़ करते हो। ये जो सॉल्यूशन है इसको हम बोलते हैं फॉर्मलिन, ठीक है। यू माइट बी थिंकिंग हर चीज़ के साथ फॉर्म फॉर्म क्यों आ रहा है, फॉर्मिक एसिड, फॉर्मलिन, फॉर्मिक, ये पहले भी मैं आपको बता चुका हूँ लास्ट लेक्चर में कि ये फॉर्मिका से वर्ड डिराइव हुआ है, फॉर्मिका एंट को बोला जाता है, च्यूंटी को, ये सबसे पहली दफ़ा जब ये फॉर्मिक एसिड पाया गया था ना वो च्यूंटियों के अंदर पाया गया था, तो इस वजह से इसको फॉर्मिका नाम दे दिया गया था, तो फॉर्मिक एसिड देन फॉर्मलिन एंड देन फॉर्मल्डिहाइड। अच्छा, तो फॉर्मलिन की हम बात करें, फॉर्मलिन जो है ना ये हम ऐसे कंपाउंड को बोलते हैं जिसमें आपके पास 40% फॉर्मल्डिहाइड पाया जाए, ठीक है। ये सॉल्यूशन होता है जिसमें 40% अगर बीच में फॉर्मल्डिहाइड है बाय वॉल्यूम, अच्छा ये बाय वॉल्यूम दिस इज इम्पॉर्टेंट, ये अक्सर जब परसेंटेजेस गिवन होती है ना तो आपको इस चीज़ का आइडिया होना चाहिए ये परसेंटेज किस चीज़ की गिवन है। मसलन ये एक टोटल फ्लास्क है, ठीक है, अगर ये टोटल फ्लास्क जो है ये इसके आप
आप 10 हिस्से कर दो, ठीक है? अभी मैं कम कर रहा हूँ, लेकिन आप इसके 10 हिस्से अगर कर दो तो 40% बाय वॉल्यूम का मतलब होगा उन 10 हिस्सों में से 4 हिस्से। लेकिन इसका बात का हरगिज मतलब ये नहीं है कि उन 4 हिस्सों का वजन भी इस टोटल के चौथे वजन जितना होगा, ठीक है? बाय मास जो आपकी परसेंटेज होती है ना, वो एक डिफरेंट चीज़ होती है। यहाँ पे हम बाय वॉल्यूम परसेंटेज ले रहे हैं। अगर आप बाय मास परसेंटेज लेना चाह रहे हो तो 37% फॉर्मल्डिहाइड को आप फॉर्मलिन बोलते हो, ठीक है? और बाकी चीज़ अंडरस्टूड है कि जो साथ दूसरी चीज़ होगी वो पानी ही होगा। जो बाकी बच गया है ना, वो सारा का सारा पानी होता है, और बीच में कुछ अमाउंट जो होती है वो मेथनॉल की बच जाती है जो अनरिएक्टेड रह गया होता है, ठीक है? इसके बाद हम सेकेंड प्रोसेस देखते हैं फॉर्मल्डिहाइड को प्रिपेयर करने का। सेकेंड प्रोसेस जो है इसको हम फॉर्मैक्स बोलते हैं, फॉर्मैक्स प्रोसेस, सॉरी फॉर्मैक्स कह रहा हूँ, फॉर्मॉक्स प्रोसेस। इंडस्ट्री के अंदर इसको फॉर्मॉक्स प्रोसेस बोला जाता है, ठीक है? इस प्रोसेस के अंदर भी अगेन आप वही काम कर रहे हो जो पहले कर रहे थे, कि आप एक मेथनॉल ले रहे हो, एक सब कुछ वही है, सिर्फ फर्क क्या है इसमें और इससे जो काउंटर पार्ट है जो आप पीछे देख चुके हो उसमें भी आप यही कर रहे थे, ऑक्सीडेशन कर रहे थे। अब यहाँ पे जो आप कैटलिस्ट यूज़ कर रहे थे ना, इस केस में आप कैटलिस्ट यूज़ करते हो आयरन ऑक्साइड, यानी इस केस में ये आपके पास FeO और साथ मोलिब्डेनम ऑक्साइड, ठीक है? Mo2O3। मोलिब्डेनम का आपके पास चार्ज होता है +3, वैसे इसकी वेरिएबल वैलेंसी से +3 मोस्टली आप एग्जिस्ट कर रहे हो, और इसका -2, तो ये Mo2O3 हो जाता है। और ये आप बता सकते हो ये FeO फेरिक है या फेरस है? ये आपके पास है फेरस ऑक्साइड, क्योंकि आप आयरन का यहाँ पे +2 इसके -2 से कैंसिल हो रहा है, ठीक है? अगर यहाँ पे ये फेरिक ऑक्साइड होता तो आयरन पे +3 होता और फिर ये Fe2O3 हो जाता, ठीक है? आप फेरस ऑक्साइड यहाँ पे यूज़ कर रहे हो, और साथ में आप टेम्परेचर भी इसका रेज करते हो। अगेन इस दफ़ा आपको टेम्परेचर थोड़ा सा ज़्यादा देना पड़ता है, ठीक है? इंडस्ट्री के अंदर आप ये वाला प्रोसेस यूज़ करते हो। अच्छा, इंडस्ट्री में आप ये क्यों इस्तेमाल करते हो, सोचो थोड़ा सा। आप इंडस्ट्री में वो पिछला वाला क्यों नहीं कर लेते? इंडस्ट्री में हमेशा हम क्या करते हैं, लार्ज स्केल प्रिपरेशन होती है, बहुत ज़्यादा अमाउंट में आप किसी चीज़ को मैन्युफैक्चर प्रिपेयर कर रहे होते हो, ठीक है? मसलन अभी मैं कहीं पे पढ़ रहा था कि आप तकरीबन सम बिलियन पाउंड्स, आई थिंक 80 बिलियन पाउंड्स ऑफ फॉर्मल्डिहाइड हर साल प्रिपेयर होता है नॉर्मली, बल्कि इससे भी ज़्यादा। तो अब इतना ज़्यादा करने के लिए आपको तो बहुत ज़्यादा प्लेटिनम दरकार होगा। प्लेटिनम आपको पता है कि एक नोबल मेटल है और इंतहाई महंगा है, ठीक है? बहुत ही ज़्यादा महंगा है प्लेटिनम, आप समझ लो सबसे महंगा मेटल आपके पास है ना, इवन गोल्ड के इक्वलेंट आप कह लो, बहुत ही रेयर है ये। तो आप अब इतना महंगा एक मेटल इस्तेमाल करके तो आपका तो मतलब फॉर्मेल्डिहाइड बहुत ही महंगा प्रोड्यूस होगा ना। तो आप क्या करते हो कि आप ये सस्ते से दो कैटलिस्ट इस्तेमाल कर लेते हो, ये सस्ते कैटलिस्ट हैं ये वाले दो, और साथ आप टेम्परेचर थोड़ा रिस्क ले लेते हो। टेम्परेचर रेस करना कोई ज़्यादा मुश्किल काम नहीं है, ठीक है? टेम्परेचर तो आप कोई बर्नर या कोई कोई सिस्टम आप लगा के तो टेम्परेचर रेस कर सकते हो। प्रोडक्ट्स जो इस रिएक्शन के हैं वो अगेन आपके पास यही हैं जो पहले थे आपके पास। एक तो फॉर्मेल्डिहाइड है आपके पास, फॉर्मेल्डिहाइड, और साथ आपके पास वाटर प्रोड्यूस होता। अच्छा, इसके अलावा ये अभी तो मैंने आपको बताया ना कि आप आयरन ऑक्साइड और मोलिब्डेनम ऑक्साइड यूज करते हो, इसके अलावा आप वेनेडियम ऑक्साइड भी यूज कर सकते हो। वेनेडियम ऑक्साइड जो कि आप कह लो कि मजीद सस्ता कैटलिस्ट है, ठीक है? लेकिन अब वेनेडियम कैटलाइज ऑक्साइड जब यूज़ किया जाता है तो साथ में आपको क्या करना पड़ता है कि जो टेम्परेचर है वो 650 डिग्रीज तक इंक्रीज करना पड़ता है, ठीक है? तो जो कि इतना अच्छा काम नहीं है, वो काफ़ी ज़्यादा टेम्परेचर अब हो गया, तो इसलिए हम वेनेडियम ऑक्साइड को अवॉइड करते हैं इस्तेमाल करने से। इसके अलावा एक जनरल आपको मैं बात बता दूं कि आप लोगों ने अभी तक जो केमिस्ट्री पढ़ी है उसमें आप एक चीज़ पढ़ चुके हो कि आप कोई भी सिंपल अल्केन लो, उसकी ऑक्सीडेशन करो तो क्या होता है कि अल्कोहल बन जाता है। ऑक्सीडेशन अगर उसकी आप करो तो अल्कोहल बन जाता है, एंड आपको इस बात का भी पता है कि अल्कोहल की आप ऑक्सीडेशन करते हो तो क्या बन जाता है, एल्डिहाइड, और एल्डिहाइड की आप ऑक्सीडेशन करते हो तो आपके पास क्या बन जाता है, कार्बोक्सिलिक एसिड्स, और कार्बोक्सिलिक एसिड की फर्दर आप ऑक्सीडेशन अगर कर दो तो देन फाइनल प्रोडक्ट्स कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर। ये साइकिल आप इससे पहले भी मैं रिपीट कर चुका हूँ प्रीवियस चैप्टर्स के अंदर, ठीक है? इसी प्रोसेस को अगर आप बाय प्रिंसिपल देखो ना तो आप यहाँ पे भी अप्लाई कर सकते हो, यानी अगर आप मीथेन से डायरेक्ट बनाना चाहो ये चीज़ फॉर्मल्डिहाइड या मेथनल,
तो वो भी बन जाता है। लेकिन उसमें एक प्रॉब्लम है कि जब आप मीथेन की ऑक्सीडेशन करते हो ना, अगर आप मीथेन की ऑक्सीडेशन करो इन द प्रेजेंस ऑफ सम कैटलिस्ट, डेफिनेटली कोई कैटलिस्ट आपको इस्तेमाल करने पड़ेंगे यहाँ पे भी, तो उसमें होता ये है कि आपका जो प्रोडक्ट बन रहा है ना फॉर्मेल्डिहाइड, वो बन जाता है, लेकिन अगेन ये बजाते खुद ऑक्सीडाइज होने लग जाता है। मतलब ये प्रोसेस केमिकली तो पॉसिबल है, केमिकली अगर आप देखो तो ये इक्वेशन बिल्कुल ठीक है, कंसिस्टेंट है, ठीक है। लेकिन इसमें सिर्फ एक मसला है, और मसला बड़ा मेजर है कि अगर इंडस्ट्रियली आप इस तरीके से मैन्युफैक्चर कर रहे हो तो ये वायबल नहीं है। वायबल इस वजह से नहीं है कि जो आपका प्रोडक्ट बन रहा है ना, ये अगेन आपका ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करने लग जाता है और इसकी ऑक्सीडेशन स्टार्ट हो जाती है। और ये फॉर्मेल्डिहाइड की ऑक्सीडेशन ज़्यादा आसानी से हो जाती है निस्बतन मीथेन के, या मेथनल की ज़्यादा आसानी से हो जाती है। तो इस वजह से बजाय इसके कि मीथेन जो है वो ऑक्सीडाइज हो, मीथेन तो ऑक्सीडाइज होके ये बनाएगा, लेकिन जो मेथनल बन रहा है वो अगेन ऑक्सीडाइज होके कुछ और बना देगा, ठीक है। तो इसलिए आपके पास फॉर्मेल्डिहाइड प्रोड्यूस नहीं होगा। इसके अलावा दो और प्रोसेसेस हैं जिससे आप फॉर्मेल्डिहाइड प्रिपेयर कर सकते हो, जो कि आपके पास मेंशन नहीं है, बल्कि ऊपर वाले मेंशन नहीं था आपके बुक के अंदर। जो एक तो प्रोसेस आप ये कर सकते हो कि आप CO और H2 का जो कम्बिनेशन है, ये क्या चीज़ कहलाती है CO और H2? वाटर गैस। वाटर गैस को कैसे प्रिपेयर किया जाता है? आप इलेक्ट्रोलिसिस करते हो कार्बन इलेक्ट्रोड्स के साथ, और बीच में आप पानी डाल देते हो सोल्यूशन के अंदर, ठीक है। तो आपके पास वाटर गैस प्रोड्यूस होता है और ये सारे कार्बन इलेक्ट्रोड्स कंज्यूम हो जाते हैं। वाटर गैस जब आपके पास बन जाता है, आप वाटर गैस के अंदर से ना इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज करो, इसके अंदर से आप करंट पास करो, इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज अगर आप करो तो आपके पास यही प्रोडक्ट बन जाता है, फॉर्मेल्डिहाइड बन जाता है, ठीक है। ये भी एक प्रिपरेशन का मेथड है, लेकिन अगेन ये वायबल नहीं है क्योंकि बहुत बड़े लेवल पे पॉसिबल नहीं है इस तरीके से मैन्युफैक्चर करना, प्रिपेयर करना फॉर्मेल्डिहाइड को। एक और जो बड़ा मेजर प्रोसेस है वो है आपका, अगेन यही जो आप ऊपर कर रहे थे ना ऑक्सीडेशन जब कर रहे थे, तो ऑक्सीडेशन के लिए जो आप बीच में कैटलिस्ट और टेम्परेचर रेज करते थे, इंस्टेड ऑफ दैट आप पोटेशियम डाइक्रोमेट, विच इज K2Cr2O7 एंड सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4, आपको पता है कि ये दोनों जो हैं बहुत ही स्ट्रॉन्ग फॉर्म में नेसेंट ऑक्सीजन जनरेट करते हैं, ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स हैं, ठीक है। आप इस बात को पढ़ चुके हो पिछले चैप्टर्स के अंदर, तो इसके थ्रू भी आप ये प्रोसेस करवा सकते हो, ठीक है। इसे नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम लोग कवर करेंगे एसीटल्डिहाइड, एसीटल्डिहाइड के हम लोग मुख्तलिफ प्रिपरेशन के मेथड्स देखेंगे, और साथ हम देखेंगे कि कुछ कीटोन्स जो हैं उनको भी बाय प्रिंसिपल किस तरीके से प्रिपेयर किया जाता है।